ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, ठीक है, और एक उन लोगों की तस्वीर है, टीम जरा चलाइएगा तस्वीरें भी। दिवाली पर अमेरिका में भी होगी सरकारी छुट्टी। वाह भाई वाह। Pennsylvania officially is the first state of America जो designate किया है कि holiday होगा, Diwali is a state holiday. 1, 2, 3 Happy Diwali! Madam Speaker, Diwali this year falls on October 31st, and Diwali is celebrated by the Hindu, Jain, Sikh, and Buddhist populations, which are well over a billion people in the world. And hundreds of thousands here in Pennsylvania. One more. 1, 2, 3 Happy Diwali! तो दिवाली के बारे में आप कुछ जानते हैं? मतलब कि बचपन से लेकर आता हम? हाँ, ड्रामा वगैरह में देखा था, वो कलर से बना रहे होते हैं और डांडिया शायद खेलते हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग यार? खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और क्या आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम ये बात करें कि भाई दिवाली है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, या सेलिब्रेट ना भी करें, जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी खुशियों में जाके हम शरीक होते हैं, तो क्या आपको आगे से रिएक्शन देखने को मिलेगा? गैर मुस्लिमों के त्यौहार पर उनको ग्रीट करना हराम कहा गया। लानत है तुम लोग पे, लानत। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। इज्जत से क्या काम, बेइज्जती प्रूफ समझ लें, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, जिन्हें कभी भी अपनी जिल्लत महसूस ही नहीं होती। अब ये समझ, यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूँ जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप मुसलमान इस्लाम से खारिज हो जाएंगे आप? और नहीं तो क्या। हाँ तो भाई लोगो, कैसी चल रही है दिवाली की तैयारी? एकदम झकास। पटाखे रॉकेट ले लिए पाकिस्तान का पिछवाड़ा फोड़ने के लिए? अल्लाह तौबा। खैर ये तो थी मजाक की बात, अब आते हैं मुद्दे पर। ठीक है। भारत का जो त्योहार है दीपावली, उसके उपलक्ष में अमेरिका ने राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है 31 अक्टूबर का। पाकिस्तानियों को इस खबर से तन बदन में आग लग गई। एक तरफ तो पाकिस्तानी बोलते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक जमहूरिया मुल्क है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जमहूरिया मतलब डेमोक्रेटिक, लेकिन भाई जहाँ पर इस्लाम होगा वहाँ जमहूरियत चल ही नहीं सकती, वहाँ पर तो इंसानियत भी नहीं चल सकती। हाँ भाई हाँ। तो भाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर इस्लाम है वहाँ पर लोकतंत्र का कोई काम बनता ही नहीं है, एक बात तो ये। दूसरी तरफ पाकिस्तान का इस्लाम ऐसा है कि होली से भी ये खतरे में आ जाता है, दीपावली के पटाखों से भी ये खतरे में आ जाता है। और होगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान में दीपावली का राष्ट्रीय अवकाश तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान में दिवाली मना ले हिंदू ठीक से वही बड़ी बात होगी। इस बात पर पाकिस्तान के कुछ बुद्धिजीवी बैठे हैं चर्चा करने की, भाई पाकिस्तान तो इस्लामिक जमहूरी मुल्क है, इसमें दिवाली की छुट्टी क्यों नहीं है? अच्छा, कभी दिल किया दिवाली सेलिब्रेट करने का? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शब-ए-बारात होती है। हाँ वो तो होती है, लेकिन अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस तरह का शौक पूरा कर लेते हैं सारे। अब आपने देखा होगा जैसे वहाँ पे होली था, अब यहाँ पे भी कलर्स निकल आए हैं कहीं ना कहीं पर जाके। इंशाल्लाह इनके लिए दिवाली वाला सिस्टम भी मुझे लगता है पाकिस्तान में आ ही जाएगा। एक बड़ी खबर, Pennsylvania, state of United States of America. Pennsylvania has now officially declared Diwali a recognized state holiday, and Governor Josh Shapiro signing of bipartisan legislation, जिसके तहत ये कहा गया है कि the law effective designates Diwali as a holiday on the 15th day of Kartik in the Hindu lunisolar calendar. जी सही है, मुझे बताएं कि दिवाली में बहुत सारे पटाखे फोड़े जाते हैं जो कि कहते हैं कि थोड़े डेंजरस भी होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इंडियंस को? अगर वो मेरे ख्याल से जितने वो स्ट्रॉन्ग है ना, उनको इन पटाखों से फर्क नहीं पड़ता। सही होगा। देखिए तो जाहिर सी बात है वो चलाते हैं, पहले खुद को सिक्योर करते हैं फिर ही कोई ऐसा काम करते होंगे ना, पागल थोड़ी ना है कि जब उनको पता है एक जान से खतरा है उनको और चीज़ काम जान के करते हों। तो Pennsylvania officially is the first state of America जो designate किया है कि holiday होगा, Diwali is a state holiday. Congratulations to everyone के जो दिवाली celebrate करता है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि ये पहली स्टेट है अमेरिका की जिसने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया। दिस इज ग्रेट। ओके अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि इसकी और क्या डायमेंशंस हैं, क्या इसके एंगल्स हैं कि ये बात, क्योंकि अभी देखिए
आप जानते हैं कि इलेक्शन होने में कुछ दिन बाकी, बल्कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, कुछ दिन बाकी क्या, इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त। और इस दौरान गवर्नर की तरफ से, गवर्नर जोश शापिरो की तरफ से एक बिल लाया जाता है और वो बिल पास किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि अब जो दिवाली है वो उसको हम ऑफिशियली रिकग्नाइज करेंगे एज ए स्टेट हॉलीडे। तो ये एक बड़ी अहम बात है, बड़ी बात। अब जो जैसा कि मैंने कहा कि ये किया गया, तो आप जानते हैं कि 31st ऑफ अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है, ठीक है। दिवाली की अपनी भी जो इसकी सिग्निफिकेंस है उसके पर भी जो है वो बात किया लेते कर लेते हैं। ये एक लाइट का फेस्टिवल कहा जाता है, और कहा जाता है कि लाइट जो है जब वो कवर कर ले डार्कनेस को, तो इसको रोशनियों का एक फेस्टिवल इस तरीके से मनाया जाता है। और पेंसिल्वेनिया ही नहीं बल्कि यूएस की कई ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें ऑलरेडी दिवाली बहुत जोश और खरोश के साथ मनाई जाती है, बड़े बहुत ज्यादा। मैं आपको ये जो पिक्चर्स दिखा रही हूँ ना, ये रियल पिक्चर्स हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं बनाई गई। और ये देखिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ तो आपको ये पता चलेगा कि न्यूयॉर्क में कैसे मनाई जाती है। न्यूयॉर्क में इतनी जबरदस्त तरीके से दिवाली मनाई जाती है कि मैं देख रही थी कि इसकी अभी जो इस बार जो दिवाली हुई थी लास्ट टाइम, उसकी जो पिक्चर्स आई हुई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि वहां पे बाकायदा जो टाइम्स स्क्वायर है वहां पर दिवाली की परेड होती है, दिवाली के ऊपर डांस किया जाता है, और इतनी बड़ी तादाद में। खास तौर पर आपको पता है कि जो हिंदू कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी जो है वो बहुत बड़ी है अमेरिका के अंदर, तो पहले ही काफी स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें ये मनाई जाती है। लेकिन एक ऑफिशियली डिक्लेयर करना हॉलीडे ये एक अलग चीज है। जैसे कि इसमें ये द स्टेट्स हैव एक्नॉलेज दिवाली कल्चरल सिग्निफिकेंस इन वेरियस वेज, जैसे कि पर्टिकुलरली इन एरियाज विद लार्ज साउथ एशियन कम्युनिटीज इन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। जो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं वो बंद नहीं होंगी, इसके ऊपर ये मत समझिएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि बल्कि खुले रखे जाएं और इसको सेलिब्रेट किया जाए, बताया जाए लोगों को कि ये कैसे सेलिब्रेट की जाती। तो ये हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी कई ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं इंडियन कम्युनिटी के जो बहुत ज्यादा जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। आप किसी भी स्टेट में चले जाएं तो जगह जगह दिवाली के फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं। और अच्छा, अब दिवाली की जो रिकग्निशन है जो दूसरे स्टेट्स में है वो अपनी जगह पर मैंने आपको बता दिया कि काफी ऐसी हैं जहां पर मनाई जाती है। लेकिन हम जब इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो दिवाली की क्या है, तो कहा यह जाता है कि जो जब राम और सीता वापिस आए थे आफ्टर 14 ईयर्स, तो उनकी रिटर्न पर अयोध्या ने पूरे उसको सजा दिया था, अयोध्या को लाइटिंग कर दी थी, ये बात कही जाती है, ठीक है। और वो ये है कि आप जानते हैं कि ये जो फेस्टिवल है इसकी अपनी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी मौजूद है दिवाली की। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी वो जब 14 ईयर्स के सन्यास या जो मतलब जो भी है उसके अंदर, उसके बाद जब वापस लौटते हैं तो उनको डायरेक्शन यानी ये कि रास्ता बताने के लिए भी पूरे शहर को जो है वो रोशन कर दिया जाता है। और वैसे भी इसको एक कल्चरल इवेंट के तौर पर भी देखा जाता है, ये सिर्फ ये नहीं है कि ऐसे ही है, इसकी अपनी जो जाहिर है कि आप क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू ही मनाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको मुस्लिम्स भी मनाते हैं, जिसको क्रिश्चियंस भी सेलिब्रेट करते हैं, सभी कर रहे होते हैं, लाइटिंग कर रहे होते हैं, इस तरह की चीजें। तो इसके लिए सिर्फ ये बात नहीं है, इसकी जो अपनी सिग्निफिकेंस है वो अपनी जगह पर मौजूद है, जो इसकी तारीख है तो, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जाहिर है कल्चरल वैल्यू भी है। अच्छा, अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये तो हम कहते हैं जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, उसकी हमेशा से बड़ी बात की जाती है, आपको पता है, और कहा जाता है कि इंडिया में बड़ा स्ट्रांग है इंडियन डायस्पोरा, और वो जो है उसकी बड़ी पहुंच भी है, बड़ी रीच भी है। और इस सिलसिले में ये भी है कि काफी ऐसी अमेरिका में जो आप कह सकते हैं यहाँ पर ऐसे डेजिग्नेशंस जो के स्टेट के यानी गवर्नमेंट डेजिग्नेशंस पर भी काफी इंडियंस मौजूद हैं बड़ी पोस्टों में, बल्कि मैंने आपको लिए एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट पेड होते हैं यानी जो सबसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं ना, उसमें इंडियन कम्युनिटी एक बड़े हाई लेवल पर आती है, बल्कि किसी वक्त तो सबसे ऊपर भी दिखाई देती है, ये सबसे ज्यादा अर्न करने वाले ये लोग। आप देखें, एजुकेशन जिसके पास होती है, आप जानते हैं आपके पास तालीम होगी तो ऑब्वियसली फिर तो ठीक है ना। अच्छा, कहा यह जाता है द कोर ऑफ दिवाली जो है इन इट्स यूनिवर्सल मैसेजेस, जिसको कहा जाता है कि अक्रॉस कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम्स। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना, आप अपना ख्याल रखना। और हाँ, कौन कौन भाई लोग पाकिस्तान का पिछवाड़ा फुलाएंगे रॉकेट दग दग के, कमेंट में बता दो। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई, यो यो किट्टू भाई, और मुझे भी सब्सक्राइब कर लो। जय श्री राम।